दीपावली यानी ढेर सारी मस्ती, खूब सारे पटाखे, ढेर सारी मिठाइयाँ और हाँ खूब सारी खरीदारी भी। तो चलिए हमारे साथ ओजस्विनी मेले, जहाँ पर है खूब मस्ती धमाल और हाँ साथ ही साथ आप कर सकते हैं खूब सारी खरीदारी भी। तो मेरे साथ अब चलते हैं ओजस्विनी मेले। बीते कई बरसों की परंपरा के अनुसार इस बार भी राजधानी भोपाल में ओजस्विनी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हर वो चीज है जिसकी त्योहार पर अमूमन सबको दरकार होती है, शॉपिंग, खानपान और मनोरंजन, यानी सब कुछ है यहाँ। लेकिन इस मेले का उद्देश्य इस सब से कहीं अधिक बढ़कर है, वृहद है। दरअसल ओजस्विनी मेले के आयोजन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है, उन्हें आगे लाना है और मुख्यतः उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही ओजस्विनी के जरिए लगातार प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच भी प्रदान किया जाता रहा है। यकीनन ओजस्विनी ने अब तक अपने उद्देश्यों की पाकीजगी बरकरार रखी है, तभी तो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। ये देखिए, यहाँ न केवल अक्सर गीत संगीत एवं नृत्य की प्रतिभाओं को मंच दिया जाता है, बल्कि मलखम्ब जैसी प्राचीन कला के लिए भी ये मंच खुला है। Thank you.
उज्जैन नगर के इन मलखंब खिलाड़ियों को, जिन्होंने शक्ति, संतुलन और सामंजस्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मलखंब को समर्पित ये दल पूरे देश में प्रदेश का नाम ऊंचा कर चुका है। वाकई नाम ऊंचा करने से पहले खुद को और अपने हुनर को ऊंचाइयां देना जरूरी है। ज्यादातर कच्ची उम्र के इन लचीले मलखंब खिलाड़ियों ने एक से एक करतब कर दिखाए। देखिए रस्सी और खंबे पर जबरदस्त संतुलन का प्रदर्शन, जो यकीनन गहरे अभ्यास का नतीजा है। बहरहाल विलुप्त होते इस अनूठे खेल मलखंब का यह प्रदर्शन कमाल का था, जिसके लिए आयोजक निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है परंपराओं और मनोरंजन का यह सिलसिला यूं ही साल दर साल जारी रहेगा और ओजस्विनी में शामिल महिला उद्यमियों के जीवन में भी उजास आएगा।